छत्तीस सुगुण धारी छत्तीस कौम तारी। जय महाश्रवण जय महाश्रवण जय महाश्रवण जय महाश्रवण। गुरु और शिष्य का एक बहुत पुनीत संबंध होता है। गुरु के द्वारा शिष्य उपकृत होता है, तो यह भी कहा जा सकता है कि शिष्य के द्वारा गुरु भी उपकृत हो सकता है। कुछ गुरुओं को ऐसे सुयोग्य शिष्य मिलते हैं जिनके आधार पर गुरु भी समाधि, संतोष और अनुकूलता का अनुभव कर सकते हैं। सारे शिष्य तो एक समान हो कहना कठिन है, शिष्य शिष्य में भी अंतर हो सकता है, और अंतर तो कुछ गुरु गुरु में भी हो सकता है। सारे गुरु भी एक समान हो यह भी आवश्यक नहीं। वे शिष्य धन्य हैं जिन्हें महान योग्य ज्ञानी और त्यागी तत्ववेत्ता और सदाचार संपन्न गुरु प्राप्त हो जाते हैं, जो मार्गदर्शन देने में सक्षम होते हैं। तो वे गुरु भी धन्य हैं जिन्हें अच्छे ज्ञान संपन्न, साधना संपन्न, विनय संपन्न, सेवा भाव संपन्न शिष्यों की प्राप्ति हो जाती है। आज का निर्धारित विषय गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी वर्ष के संदर्भ में रखा गया है, आचार्य तुलसी और उनके गुरु कालूगणी। कालूगणी भी गुरु थे, कालूगणी हमारे गुरु के गुरु थे, गुरुदेव तुलसी हमारे गुरु थे। हमने तो कालूगणी को देखा नहीं, हमने तो गुरुदेव तुलसी को देखा है, और देखा है उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी को। वे भी कालूगणी के ही शिष्य रहे हुए थे। आचार्य तुलसी को मुनि अवस्था में और फिर युवाचार्य अवस्था में कुल मिलाकर लगभग 11 वर्षों का समय अपने गुरु के सान्निध्य में रहने का मिला। कालूगणी कुछ जल्दी ही काल धर्म को प्राप्त हो गए, 60 वर्ष भी पूरे नहीं किए। आज के युग में तो 60 वर्ष कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, और हमने सुना जाना कि कालूगणी का शरीर कोई इतना कमजोर नहीं था कि इतने जल्दी महाप्रयाण को प्राप्त हो जाए। अच्छा सबल शरीर था, परंतु जो भी निमित्त बना, व्रण का योग, फिर आयुष्य का जो भी योग जैसे बना, 60 वर्ष की पूर्णता के पहले ही वे प्रयाण को प्राप्त हो गए, महाप्रयाण कर गए। हमने सुना कि कालूगणी के मन की भावना यह थी कि मैं थली में जाऊं, बिदासर जाऊं, और बिदासर में माँ छोगान जी की उपस्थिति में मैं अपना उत्तराधिकार सौंपूं, ऐसा हमने सुना है। परंतु मेवाड़ में, मालवा मेवाड़ की यात्रा में शरीर में परिवर्तन आ गया, और लगता है उनकी वह इच्छा पूरी नहीं हो सकी कि बिदासर में जाकर उत्तराधिकारी की घोषणा करूं।
उनको गंगापुर में ही अपना उत्तराधिकार सौंपना पड़ा और उनको उत्तराधिकारी के रूप में मुनि तुलसी मिले थे। 22 वर्ष की लगभग अवस्था मुनि तुलसी की, इतनी छोटी अवस्था में किसी मुनि को उत्तराधिकार सौंपने वाले आज तक के इतिहास में एकमात्र कालुगणी ही हुए हैं, जिन्होंने इतनी छोटी अवस्था के मुनि को उत्तराधिकार सौंप दिया। भाग्य से योग्य शिष्यों की प्राप्ति होती है, इस माने में भी कालुगणी पुण्यवान थे, भाग्यशाली थे, उन्हें अनेक अनेक अच्छे शिष्य मिले थे। और एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है जीवन का, आचार्यों के जीवन का, उत्तराधिकारी बनाना किसी को। और इस संदर्भ में भी उनको काफी चिंतन करने की भी अपेक्षा पड़ सकती है, तैयार करने की भी अपेक्षा, ध्यान देने की अपेक्षा। कल्प वृक्ष बनकर अपने उत्तराधिकारी को छाया देने की अपेक्षा भी पड़ सकती है। कालुगणी को एक ऐसा सुशिष्य प्राप्त हो गया जिसके भरोसे उन्होंने संघ का सारा भार सौंप दिया। तो मुनि तुलसी इतने बाद में दीक्षित हुए, कालुगणी जल्दी काल धर्म को प्राप्त हो गए। दोनों ओर से ऐसी स्थिति बनी कि मुनि तुलसी को शिष्यत्व के रूप में, शिष्य के रूप में रहने का समय कम मिला। अगर मुनि तुलसी 10 साल पहले दीक्षित हो जाते, पहले ही जन्म जाते, तो समय लंबा भी मिल सकता था, पर वे भी देरी से जन्मे। कालुगणी जल्दी पधार गए, दोनों एक और देरी हो गई, एक और जल्दी हो गई, तो कालमान बीच का सिमट गया। फिर जैसा नियति को मंजूर होता है वैसा ही होता है। कालुगणी को गंगापुर पधार जाने के बाद भी यह चिंतन संभवतः नहीं ठीक लग रहा था कि कोई जल्दी मुझे निर्णय करना चाहिए। मगन मुनिश्री, उन्होंने तो कालुगणी के पास बात रखी थी आगे का ध्यान देना चाहिए। कालुगणी और मगन मुनि तो मित्रवत, मित्र रूप में थे। मैंने सुना कभी आपस में विनोद भी कर लेते। मगन मुनि आहार कराते, कालुगणी विराजमान रहते और कभी कभार अपना विनोद भी कर लेते आपस में। तो मगन मुनि ने बात रखी, कालुगणी ने कहा, मगनलाल जी स्वामी आप तो बेमी हो, अभी क्या बेम करते हो इतना। यानी पहले कालुगणी का चिंतन नहीं था कि जल्दी कोई मैं निर्णय करूं, परंतु बहुत जल्दी ही कालुगणी का चिंतन बदल गया। उनको लगने लगा एकदम जल्दी मुझे निर्णय कर देना चाहिए, एकदम बदल गए। और मगन मुनि से कहा कि मगनलाल स्वामी तो जल्दी करनी चाहिए, अब शरीर का भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बेमी कहा था, पर वो बात सही लग रही है, जल्दी निर्णय करना चाहिए। तो मगन मुनि ज्योतिष की दृष्टि से उन्होंने जानकारी की, तो उनकी जानकारी में यह आया कि भाद्रव शुक्ला तीज का दिन ठीक है उत्तराधिकार सौंपने के लिए। तो मगन मुनि बोले, गुरुदेव वो मैंने जानकारी की है, वह निर्णय का दिन तो भाद्रव शुक्ला तीज का है। कालुगणी ने कहा, अरे मगनलाल स्वामी, तीज कब आएगी, तीज तो दूर है अभी, तीज की प्रतीक्षा कौन करे, अब मैं तो जल्दी से जल्दी काम करना चाहता हूं। मगन मुनि बोले, गुरुदेव नहीं, शुभ काम तो शुभ दिन ही होगा, आप कर्ता पुरुष हैं, सब ठीक होगा, वो यह काम तो उसी दिन होने वाला है।
अरे मगनलाल स्वामी, तीज की प्रतीक्षा तो मैं कैसे करूं, अब बहुत दूर है तीज। तो फिर चिंतन हुआ कि कोई तरीका निकालना चाहिए। पहला प्रश्न है कि दायित्व सौंपना किसको है। पहली बात, दायित्व किसको सौंपना है। कालुगणी के पास मगन मुनि बैठे और पूछा कि दायित्व किसको सौंपना है। कहा, आप जानते नहीं है क्या, आपसे कोई बात छानी है क्या। उसी को सौंपना है जिसको 11 वर्षों से पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। फिर फरमाया कि मगनलाल जी स्वामी, एक बात है, उसकी उम्र बहुत छोटी है, उसकी उम्र बहुत छोटी है। मानो कि थोड़ा सा कोई एक कोई भाव आ गया कालुगणी के मन में कि उसकी उम्र बहुत छोटी है। तो मगन मुनि ने समय का मौका का लाभ उठाया कि अंदाता किसी बूढ़े दाने को हाजिर कर दूं उत्तराधिकार सौंपने के लिए। कहा, नहीं मगनलाल स्वामी, कहा क्या बात करते हो, सौंपना तो उसी को है। मेरे मन में विकल्प आ गया कि उम्र बहुत छोटी है इसकी। मगन मुनि बोले, गुरुदेव उम्र की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, कोई चिंता नहीं उम्र की। फिर ठीक है, तो उसी को सौंपना है। अब कैसे करना, कैसे क्या गुरुदेव, काम तो उसी दिन होगा, काम तो तीज को ही होगा। एक काम आप जरूर कर सकते हैं, एक बार उसको याद फरमा लो, उसको अपने पास बुला लो, सब काम ठीक हो जाएगा। कालुगणी ने ऐसा ही निर्णय चिंतन किया कि उसको बुला लेना चाहिए। तो संतोष ने कहा कि तुलसी को बोल देना सायंकाल आर के बाद आ जाए। संत गए कि तुलसी राम जी, आज आपको और आप शाम का जल्दी ही निवेड़ लेना, शाम को कालुगणी के पास आपको जाना है। समय पर मुनि तुलसी पहुंचे पूज्य कालुगणी के पास, और वे गंगापुर का रंग भवन, उस वे होल, रंग भवन का होल, उसका वो किनारा एक स्थान जहाँ पट्ट पर कालुगणी पौधाए हुए थे। मुनि तुलसी गए पास में। कालुगणी की इच्छा हुई कि मैं बैठ करके बात करूं, बैठूं मैं। तो कहा, मुझे बिठाओ। अब मुनि तुलसी के इतनी बस की बात नहीं थी कालुगणी को बिठाना, यानी कुछ छोटे भी थे और इतने बड़ा शरीर कैसे उठाना गुरु को। तो अन्य संतों का सहयोग मिला, कालुगणी को बिठाया गया। फिर कालुगणी ने बात शुरू की मुनि तुलसी से, अपने शरीर की स्थिति रखी कि मेरा शरीर बैरी बन गया है। और उन्होंने बात बात में संकेत स्पष्ट दे दिया कि दायित्व आगे तुमको संभालना है। गुरु और शिष्य का वह अंतरंग वार्तालाप थोड़ी देर का हुआ, कुछ समय का, और संभवतः यों कहें मुनि तुलसी के जीवन का पहला दिन था रहा होगा कि कालुगणी ने उनको उत्तराधिकार संभालने का संकेत स्पष्ट रूप में दिया। वो वार्तालाप हुआ और साधु संस्था में बस बात फैल गई कि हाँ, बस उनको बुला लिया, उनको बुला लिया, उनको बुला लिया। और संभवतः स्पष्ट संग में बात हो गई कि उत्तराधिकार इन्हीं को सौंपने वाले हैं। तीज का दिन आ गया और सवेरे सवेरे साध्वियां दर्शन करने के लिए आती है, साध्वियां आई। और उस समय गुरुदेव कालुगणी ने उत्तराधिकार पत्र लिखना चाहा। मगन मुनि बोले, गुरुदेव आपको लिखने में कष्ट पड़ेगा, आप लिखो मत, आप स्पष्ट सबके सामने फरमा दो, लिखने की क्या जरूरत है। कालुगणी ने कहा, नहीं नहीं, लिखने से इतिहास सुरक्षित रहेगा, लिखना चाहिए। तो कालुगणी ने उस अस्वस्थ अवस्था में, विराजमान अवस्था में, और अपना वो उत्तराधिकार पत्र लिखा। मैं भूल न करूं तो एक पांव नीचा करके, एक पांव यों करके, फिर अपना पट पर थे, एक पांव ऐसे नीचा करके, ऐसे करके फिर पत्र लिखा था कालुगणी ने। फिर मुनि तुलसी को पछेवड़ी ओढ़ाई, मुनि तुलसी को बुलाया गया, उनको पछेवड़ी, मुनि तुलसी तो प्रतिलेखन में लगे हुए थे, पलेवना के काम में लगे हुए थे, उनको बुलाया गया, याद किया गया, वे पहुँचे। फिर उनको
पछेवड़ी ओढ़ाई गई और साधियाँ आई हुई थी और वह उत्तराधिकार का निर्णय हुआ। और वो मेवाड़ के कितनी भीड़, उस पर्युषण का समय था, कितने लोग वहाँ आए हुए, और मुनि तुलसी को कालूगणि ने युवाचार्य पद दिया। और उतना संतों को भी अनुभव नहीं रहा होगा कि युवाचार्य की क्या व्यवस्था करना, क्या सम्मान करना, क्योंकि पहले इतना काम नहीं पड़ा था। न तो डालगणि ने युवाचार्य बनाया था, न माणगणि ने युवाचार्य बनाया था, मगवागणि ने बनाया। वो बहुत अल्पकाल का युवाचार्य काल रहा माणक मुनि का, तो वो युवाचार्य की इतनी परंपरा रही नहीं थी पिछले कई वर्षों में, तो संतों को अनुभव भी नहीं रहा होगा विशेष की युवाचार्य की व्यवस्था सम्मान कैसे रखना। तो मगन मुनि ने संतों को प्रशिक्षण दिया कि युवाचार्य का सम्मान कैसे रखना चाहिए। युवाचार्य तो आचार्यों की दूसरी देह होते हैं, और संघ के लिए युवाचार्य बड़े सम्मान्य होते हैं, तो कैसे उनका सम्मान रखना, पंचमी के लिए शब्द करना। तो पंचमी बाहर पधारना युवराज महाराज को, तो उनके पात्री कौन ले। तो पहले दिन पात्री लेने का दायित्व मुनिश्री नथमल जी टमकोर को सौंपा गया कि युवाचार्य जी की पात्री तुम लेकर के जाओ पंचमी समिति के लिए। उन्होंने पात्री ली, पहले दिन पात्री उन्होंने ली पंचमी समिति की। बाद में ज़्यादा समय उनको यह दायित्व नहीं उनके पास रखा गया, कुछ छोटे रहे होंगे। बाद में मुनिश्री दुल्यचंद जी स्वामी दिनकर को यह दायित्व सौंपा गया पात्र वहन करने का। और तीज का दिन बीता, संबत्सरी भी निकल गई। संबत्सरी का व्याख्यान देना था, तो कालूगणि का तो अनुकूल अवसर नहीं था व्याख्यान देने का। युवाचार्य जी ने व्याख्यान दिया। व्याख्यान देकर के कालूगणि के पास पधारे, तो कालूगणि ने साता पूछी युवाचार्य तुलसी को कि तुमको प्यास तो नहीं लगी ना, इतना लंबा व्याख्यान दिया, साता पूछी। और संबत्सरी निकल गई, छठ का पालना हो गया। संतों ने सोचा भी अब संबत्सरी निकल गई है, एक घाटी पार हो गई, अब कोई खास बात नहीं है। तो खास बात क्या नहीं, नियति में क्या होता है। छठ का ही दिन था, शाम का समय था, युवाचार्य तुलसी पास में थे, दवाई कालूगणि के लिए, दवाई उनके हाथ में थी, दवाई देने के लिए कालूगणि पढ़ाए हुए संभवतः। और आपने फरमाया कि मगनलाल स्वामी आए कि नहीं, कहाँ आए। तो वे मगनलाल जी स्वामी पंचमी के लिए गए हुए थे, उनके पास तुरंत सूचना पहुंची कि जल्दी करो। अब मगन मुनि थोड़े भारी शरीर के थे, और अपनी वो से तेज गति से चले, चलते 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 फुर्ती से चल के रंग भवन पहुँचे कालूगणि के पास, और हाँप गए थे चलते चलते, सांस मरो हाँप गए थे। यहाँ आकल अंदाता मगन हाजिर है, मगन हाजिर है। कालूगणि ने देखा, अबे, बस दो अक्षर अबे। मगन मुनि बोले आपको संथारा पुचका दूं। तो युवाचार्य जी पास में खड़े हैं, उनसे परामर्श नहीं, उनसे आज्ञा नहीं, उनको पूछा तक नहीं। मगन मुनि ने सीधा ही कालूगणि को चारों हारों का जावज उनके संथारा त्याग करा दिया, चारों हार का संथारा पुचका दिया। आपने अरहंता को शरणो होई जो, सिद्धां को शरणो होई जो, आपको शरणो माने होई जो। कुछ ही मिनटों में कालूगणि काल धर्म को प्राप्त हो गए। मैंने कालूगणि की जन्म शताब्दी भी देखी है, और अब गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी भी देख रहा हूँ। दोनों गुरुओं की, यानी अपने गुरु की, गुरु के गुरु की, दोनों की जन्म शताब्दी मैं एक की देख चुका, दूसरों की देख रहा हूँ। तो तेरा पंथ को कालूगणि जैसे गुरु मिले, और फिर आचार्य तुलसी जैसे सुशिष्य कालूगणि के हमें मिले, और फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे कालूगणि के सुशिष्य भी हमें प्राप्त हुए। हमने तो दो दो गुरुओं को निकट अतीत में देखा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी में कितनी गंभीरता थी, आचार्य महाप्रज्ञ जी में कितनी करुणा थी,
कितनी वत्सलता रखते थे और कितना उनका ज्ञान का अध्यवसाय रहता था। श्रुत स्वाध्याय चलता था, यानी आगम संपादन जैसा कार्य करते थे। एक तरफ इतना ज्ञान, उधर कितना उनका शालीन शिष्ट व्यवहार था। अपने गुरु गुरुदेव तुलसी का उन्होंने कितना सहयोग किया था। मुनि तुलसी को तो युवाचार्य काल भी थोड़ा मिला, कालुगिनी का समय भी थोड़ा मिला, परंतु आचार्य महाप्रज्ञ जी को युवाचार्य काल भी लंबा मिला और अपने गुरुओं के पास रहने का काल भी बहुत लंबा मिला। और किस प्रकार आचार्य महाप्रज्ञ जी तेरा पंथ धर्म संघ में, संघ के आकाश में नक्षत्र की तरह शोभायमान हुए थे, सूर्य के रूप में सूर्य की तरह शोभायमान हुए थे। तो हम परम पूज्य कालुगिनी की भी स्मृति करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की भी, जिनकी जन्म शताब्दी चल रही है, श्रद्धा के साथ स्मृति करते हैं। तो ऐसी गुरु शिष्य की जोड़ी, कालू और तुलसी गुरु शिष्य की जोड़ी धर्म संघ को प्राप्त हुई। तो हम अपने गुरुओं के द्वारा दिखाए गए सतपथ पर चलने का प्रयास करते रहें, यह काम।